बॉक्स ऑफिस के बाहर सलमान खान की रेस 3 ने इस मैदान में भी मारी बाजी। सलमान खान की फिल्म रेस 3 ईद पर रिलीज हो रही है, मगर उससे पहले ही उन्होंने एक बहुत बड़ी रेस जीत ली है। यह रेस है सैटेलाइट राइट्स की। रेस 3 के सैटेलाइट राइट्स खरीदने के लिए सलमान को जो रकम मिली है वो सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। रेस 3 को रमेश तौरानी के साथ सलमान खान की कंपनी ने प्रोड्यूस किया है। खबरें हैं कि फिल्म के सैटेलाइट राइट्स 130 करोड़ में एक टीवी नेटवर्क ने खरीदे हैं और सिर्फ इसी डील से रेस 3 की पूरी लागत वसूल हो चुकी है, यानी अब जो भी बिजनेस होगा उससे फिल्म मुनाफे में जाएगी। बताया जाता है कि इस नेटवर्क के साथ सलमान खान की फिल्मों की यह दूसरी डील है। इससे पहले इस नेटवर्क के साथ टाइगर जिंदा है की भी भारी भरकम डील हुई थी। रेस 3 इस शुक्रवार सिनेमा घरों में पहुंच रही है और सलमान की इस साल पहली रिलीज है। ईद पर सलमान की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस परिणाम शानदार रहा है, जिसके मद्देनजर रेस 3 से बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएं हैं। फिल्म की सैटेलाइट डील को देखकर तो यही लगता है कि रेस 3 कमाई के नए कीर्तिमान बना सकती है। रेस 3 को रेमो डिसूजा ने निर्देशित किया है और फिल्म में सलमान के अलावा बॉबी देओल, साकिब सलीम, जैकलीन फर्नांडिस, डेजी शाह और अनिल कपूर मुख्य किरदार निभा रहे हैं। बहरहाल सैटेलाइट अधिकारों की रेस में अब सलमान सबसे आगे हो गए हैं। अगर पिछले कुछ सालों में सिनेमा की दुनिया में हुई कुछ बड़ी सैटेलाइट डील्स की बात करें तो अक्षय कुमार और रजनीकांत की फिल्म 2.0 भी ज्यादा पीछे नहीं है। शंकर निर्देशित इस फिल्म के बारे में खबर आई थी कि इसके सैटेलाइट अधिकार 110 करोड़ में बेचे जा चुके हैं। हालांकि इस डील में फिल्म के तमिल, तेलुगु और हिंदी वर्जन शामिल हैं। 2.0 पिछले साल दिवाली पर रिलीज होने वाली थी, जिसे 2018 में गणतंत्र दिवस तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था, मगर इस साइंटिफिक फिक्शन फिल्म में वीएफएक्स का काफी काम बाकी है, जिसकी वजह से फिल्म फिर डिले हो गई। देश और दुनिया में बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाली बाहुबली 2: द कंक्लूजन ने सैटेलाइट राइट्स की दुनिया में भी खलबली मचा दी थी। एसएस राजमौली की इस मैग्नम ओपस के सिर्फ हिंदी भाषा के राइट्स 51 करोड़ में बेचे गए थे। गौरतलब है कि बाहुबली 2 का हिंदी वर्जन डब करके रिलीज किया गया था, यानी डब फिल्मों के इतिहास में भी यह एक रिकॉर्ड है। आमिर खान की दंगल के सैटेलाइट राइट्स 75 करोड़ में बिके थे। शाहरुख खान की रईस ने सैटेलाइट राइट्स से 45 करोड़ रुपए की कमाई की थी। गुजरात के एक शराब माफिया की इस कहानी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और माहिरा खान ने किंग खान के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर किया था। वहीं फैन की सैटेलाइट डील 80 करोड़ में होने की खबर आई थी। शाहरुख की दिलवाले के राइट्स 60 करोड़ में बिके थे। सलमान खान की फिल्म सुल्तान बॉक्स ऑफिस पर बेहद कामयाब रही थी और सैटेलाइट राइट्स के मामले में भी यह फिल्म हिट रही। छोटे पर्दे पर इस फिल्म को दिखाने के राइट्स 55 करोड़ में बिके थे। सैटेलाइट राइट्स की रेस में ऋतिक रोशन भी ज्यादा पीछे नहीं है। ऋतिक की काबिल को एक टीवी नेटवर्क ने 45 करोड़ में खरीदा था। महत्वपूर्ण बात यह है कि काबिल के राइट्स की बिक्री फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले हो चुकी थी। आमिर खान की धूम 3 को 65 करोड़ रुपए सैटेलाइट राइट्स से मिले थे। बाजीराव मस्तानी के सैटेलाइट राइट्स 50 करोड़ में बिके थे।